बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? व्यूवर्स, मैं आपके लिए आज बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार चिकन वेजिटेबल राइस हैं। चाइनीज़ भी हैं और देसी भी हैं, दोनों तरीके के हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें जी, इसमें मुझे क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए, आइए देखें। ये मैंने दो कप और हाफ लिया है ये राइस का, और इसमें मैंने ये चिकन लिया है, ये ब्रेस्ट पीस लेने हैं आपने दो। अभी इसको काटती हूँ मैं। ये मैंने एक गाजर लिया है, और ये मैंने नीले शिमला मिर्च, ठीक है, और ये मैंने हाफ जो है बंद गोभी का फूल लिया है, ये मीडियम साइज़ के दो मैंने लिए प्याज, इसको छोटा काट लिया छोटे हिस्सों में। ये चार टेबल स्पून मैंने केचप लिया, ये मैंने टू टेबल स्पून मैंने मेयोनीज लिया, और टू टेबल स्पून मैंने लिया चिली सॉस। ये मैंने लिया है विनीगर, ये लिया है सिरका मैंने लिया है, ये मेरा ख्याल दो मैंने लिए हैं ये चम्मच ना इसके, और ये चिली सॉस लिया है मैंने दो टेबल स्पून। ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है एक टी स्पून, वन टी स्पून मैंने लिया है लहसुन, ये दोनों चीज़ें लिए। ये डेढ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक का, वन टी स्पून मैंने लिया काली मिर्च, और आधी टी स्पून मैंने लिया है कुटी मिर्च की, और चौथाई हिस्सा मैंने लिया है रेड मिर्च का। और ये सब चीज़ें मैंने ली हैं, और इधर मैंने ये पानी रख दिया है, इसमें मैं चावल राइस डालने लगी हूँ, उधर राइस उबलेंगे, इधर मैं चीज़ें तैयार करती हूँ। ये जी मैंने इसमें घी डाले, ऑयल है तो ऑयल डाल लें, घी है तो घी डाल लें। अब उधर मैंने चावलों के लिए रखा हुआ पानी, उसके अंदर एक नमक की चम्मच डालें आप, जैसे बॉयल होता है उधर चावल भी डाल देते हैं। अभी इसमें मैंने एक अंडे का आमलेट बना के भी डालना है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, और ये ना मैं घी दिखाया था, अभी मैंने घी इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन पेस्ट है, ताज़ा भी काट कर डाल सकते हैं, मेरे पास कुटा हुआ था ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। प्याज में बहुत ब्राउन नहीं करना, हल्का सा करने के बाद साथ ये मैंने डालना है। एक हमने चिकन क्यूब्स भी यूज़ करनी है, ये वाली ये दिखा दें, चिकन की छोटी क्यूब्स में मैं डाल रही हूँ बोटियाँ छोटी छोटी काट ली, ये भी ऐड करने लगी हूँ साथ। एक क्यूब्स है ये चिकन क्यूब्स, ये डालने लगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ट्राई करिएगा। बहुत जल्दी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला देखते देखते ही बन जाएंगे। ये जी देखें जैसे वाइट हो गया, इसके अंदर हम ऐड करने लगे हैं, ये मैंने सोया सॉस है, ये मैंने गाजरें भी ऐड कर दी, इसको ना मैदा से नहीं फ्राई करना, इसी में हो जाएंगी बहुत जल्दी। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने राइस डालने उससे पहले फिर थोड़ी देर बाद ये रख ली डालनी है, अभी दो मिनट ऐड कर डालती हूँ इसको। हाँ जी, ये जी मैंने बंद गोभी ली है, ये भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी बाद में डालेंगे, कुछ मैंने डाल दी है, कुछ बाद में चावलों में डाले। आज जो है पूरे बॉईल करने हैं अपने, ये देखें कैसे दानादार बॉईल हो गया। अभी इसको मैं छन्नी में छानूंगी। अब ये जो है हमने शिमले की मिर्च है, ये भी डालने लगी हूँ मैं इसमें, इसी के अंदर हो जाएगी शिमले की मिर्च,
अल्लाह ताला से कुछ फ्राई नहीं करना, इसी में हो जाना इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा राइस बॉइल हो गए थे, इसमें ऐड करने लगी हूँ राइस। ये मैंने मेयोनीज भी डाल दिया, एग भी डाल दिए और थोड़ी चिली सॉस भी डाल दी है। तैयार हो गया राइस। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ये बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी और बहुत कम टाइम लिया इसने बनने में। और जैसे ही बच्चे मांगे इसी तरह फौरन तैयार करें। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।